जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो दोस्तों, हम ICAR एग्जाम से रिलेटेड आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोज को नहीं देखा है जिसमें हमने जो सोशल साइंस होता है उसको और साथ ही साथ साइंस और GK और करंट के भी कोई क्वेश्चन जो है उसको भी हमने डिस्कस किया है। जो हमारा GK की सीरीज है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, तो दोस्तों उसको भी आप लोग जो है वॉच कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भूकंप क्या होता है उसको भी पूरा डिटेल में देखा था, और साथ ही हमने देखा था चक्रवात क्या होता है, और साथ ही हमने देखा था ज्वालामुखी। ठीक है, इन तीनों टॉपिक जो आप प्राकृतिक आपदा है उनको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर उसको आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे भी हम ये वीडियो होने के बाद अगले वीडियो में हम आपदा प्रबंधन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप टॉपिक आप अगर नहीं देखे तो देखिए वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये जो तीन ही है ये तीन ही भी बीमारू राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो वो बना था आपका नीति आयोग। ठीक है, ये जो अपना योजना आयोग था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। ये GK की इंपॉर्टेंस है तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 15 मार्च 1950। देखिए, मैं ऊपर ही आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो कौन सी संस्था बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर नीति आयोग। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि नीति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है तो हो जाएगा आपका 324 अनुच्छेद, इसको भी याद रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी कपड़ा और मकान, यानी ए ऑप्शन। दोस्तों, साथ ही ये भी पता चलेगा कि अपने क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मिशन यानी जो अपना स्वच्छ मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो वो होता आपको 1956 में। ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो कुल कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो तीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका एकमात्र अपना देश है भारत। ठीक है, क्या है? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि वगैरह आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं फिर उद्योग, और अगर तृतीय क्षेत्र में पूछे तो उसमें फिर सेवा क्षेत्र होता है, वो सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो अपने हो जाएंगे 2 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? तो 2006 में।
भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्राउन केन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है इसका आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य? तो जीविकोपार्जन। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार। ये देखिए, ये जो प्रति व्यक्ति आय, इसी से किसी देश के विकास का पता चलता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल भी कैसा है इसको भी आप कमेंट में लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या में विभिन्न आधार कौन कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? नियोजन को। किसे दिया जाएगा फिर? नियोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास की मैप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, तो वो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? तो कौन सा रूप दिया गया है? जन आंदोलन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक द्वारा। ठीक है, महबूब उल हक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो मैं आपको ऊपर बता देता, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121.02 करोड़। कितना? 121.02 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73.39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 मार्च 1912 में। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है, तो कौन सा है? कृषि। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर होगा 164 देश। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था 1969 में। गरीबी रेखा के नीचे वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है? तो वो होती है आपकी 2100 कैलोरी। ये देखिए, ऊपर क्या पूछा गया है? ऊपर पूछा गया है शहरी लोगों की। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा, ये देखिए यहाँ पे ग्रामीण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मंद हो जाती है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएंगी आर्थिक विकास घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो ये दोस्तों पिछले वाला है 126 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो करंट का है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार्थिक क्रिया। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है?
कौन सा केंद्रीय बैंक है? आरबीआई। ये देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला बाजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसमावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है? पहला रहा ऑप्शन है कुछ लोगों का, समाज के कुछ वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर 17 और 18, यानी 2017-18 में इसको जो रेल बजट को है उसको सामान्य बजट में समावेश किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17 तक, ठीक है। यानी पंचवर्षीय योजना चालू कब हुए थे? 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, इन तीनों के आधार पर किसी देश के विकास का स्तर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो कौन सी है? वो हो जाएगा आपका बाढ़, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ बहुत आती रहती है। अगर आपको पूछे सूखा ज़्यादा किधर आता है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूखा आता है ज़्यादातर अपना गुजरात में, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? केरल। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? वो हुआ था आपका 2002 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63.82, ठीक है, 63.82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन को डिस्कस किया, यानी कुल मिलाकर 59 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और साथ ही ये कमेंट भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो की सीरीज नहीं देखी तो उसको भी वॉच कर ले, क्योंकि जो हम अगले वीडियो में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके लिए आप काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं वो वीडियोज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।